ये जो जैसे आपने जातिवाद की बात की, तो ये जो मुसलमानों में भी जातियां होती हैं, क्या आप उस पर बोलना चाहेंगे? नहीं, मुसलमान जो है उनका इस्लाम कहता है कि मुसलमान जो इस्लाम को मानेगा उसमें भेद नहीं होगा, उनका धर्म कहता है, उनका धर्म कहता है ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। और उनके कुरान में लिखा है कलमा, नमाज, रोजा, हज और जकात, ये पांच चीज का जो पाबंदी है मानने वाला है वही मुसलमान है। अब इस कसौटी पर कसिए ना, जे कितने मुसलमान है जो इस कसौटी पर पक्का उतरेंगे, उन्हीं के मुसलमान के लोगों से कहता हूं कि कसो। दूसरी बात, आखिर जो हिंदू से मुसलमान बने, हिंदू से उनके पूर्वज हिंदू थे मुसलमान बने, लेकिन यहां जाति बदल गई, धर्म धर्म बदल गया, लेकिन जहां गए वहां जाति नहीं बदली। हिंदू से ईसाई बन गए लेकिन वहां जाने के बाद भी लड़ रहे हैं कि हमको हरिजन वाली, हमको अनुसूचित जाति और जनजाति माना जाए। तो भाई जब क्रिश्चियनिटी में है ही नहीं कोई अनुसूचित जाति और जनजाति, कैथोलिक है कि प्रोटेस्टेंट है, दो ही है, वहां है नहीं जात, तो फिर कहे को जात खोज रहे हो। जब इस्लाम में गया कि हम जाएंगे तो इस्लाम में जाने के बाद हम एक हो जाएंगे, तो फिर वहां जाने के बाद जोलहा, धुनिया, कुजरा, कबारी, नौट, बखो, तितिरमार, ये सब जो जाति हैं जिनको कहते हैं पसमांदा, छोटी जाति, बैकवर्ड, ओबीसी। क्यों? इसलिए कि धर्म बदल लिया लेकिन जाति नहीं बदली। यहां जाति के आधार पर हिंदू समाज में जो उनका स्टेटस था, धर्म बदलने के बाद भी वहां उनका वही स्टेटस रहा। राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ, जो बड़े लोग इस्लाम को स्वीकार किए, वो शेख बन गए, सैयद बन गए, सैयद बन गए। कोई कहते हैं कि जो गरीब, जो हिंदू जात में जो गरीब थे, कमजोर थे, पिछड़े थे, वो डर से बन गए। हाँ, सही बात है, वो डर से बन गए, लेकिन ये राजपूत बड़े बड़े राजा क्यों बन गए, ये ब्राह्मण क्यों बन गए? ब्राह्मण भी बहुत इस्लाम को कबूल किया था उस समय, ठाकुरों ने भी किया था, कायस्थ ने भी किया था। हमारे बिहार विधानसभा में मैं उस समय एमएलए था, तो वहां सेक्रेटरी जनरल थे शकीलुर रहमान, एक बार एमपी हुए थे, उनके बड़े भाई, उनके दादा कायस्थ थे, वो खुद कहते थे हम लोग कायस्थ हैं। आखिर वो क्यों बने? एक तो बना भय से, गौर करिएगा, आई एक बना लोभ से। भय से क्यों बना? भय से क्यों बना? कि उनके ऊपर में अगर कोई इस्लाम, इस्लाम के समय शासन में उनके ऊपर अगर कोई जुल्म होता था तो कोई हिंदू उनको पक्ष में खड़े नहीं होते थे, बड़े लोग। दूसरी तरफ ये हिंदू धर्म के जो बड़े लोग थे ठेकेदार, वो उनको अपने यहाँ बराबरी का दर्जा नहीं देते थे, अछूत मानते थे, कुआं में पानी नहीं पीने देते थे, तालाब में नहाने नहीं देते थे, उन सड़क पर चलने नहीं देते थे, जबरदस्ती उनसे जिसको कहे ये बंधुआ मजदूर के जैसे बेगारी करवाते थे। तो एक तो हिंदू धर्म में उनके ऊपर में सामाजिक शोषण था और दूसरे तरफ इस्लाम का डर था। तो उन्होंने सोचा कि चलो वहां तो जाएंगे तो कम से कम मस्जिद में एक साथ खड़ा होकर नमाज तो पढ़ लेंगे, दस्तरखान पर बैठ करके एक साथ खा तो लेंगे, इतना तो होगा, चले गए, इसलिए चले गए। लेकिन जो शेख सैयद मुगल पठान है, उन्होंने जो लहा धुनिया कुजरा कबाड़ी जो वो भी जो इस जात से गए थे उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया, क्योंकि जो बड़े लोग जात बदले तो बड़ी जात में गए, और जो दलित और पिछड़े लोग जात बदले तो वहां भी छोटी जात बन के रहे, इसलिए वहां भी ओबीसी है। अब ये है तो इसको, ये तो जाने इस्लाम वाला, जो जो इस्लाम को मानने वाले हैं कहते हैं हमारे इस्लाम में बराबरी है, तो बराबरी है तो देखो
ईसाई में भी देखो। इसलिए मैंने कहा ना कि धर्म बदलना भारत में आसान है। चौधरी चरण सिंह कहते थे, डॉक्टर लोहिया कहते थे, धर्म बदलना आसान है लेकिन जाति बदलना आसान नहीं है। धर्म बदलोगे लेकिन जहां भी जाओगे वहां तुम्हारी जाति तुम्हारे साथ जाएगी। फिर दूसरा है कि कोई दूसरे धर्म ईसाई वाला और इस्लाम वाला हिंदू क्यों नहीं बनता है, यह भी प्रश्न आजकल उठ रहा है। बनेगा तो सही, लेकिन वो जो मुसलमान हिंदू बनेगा और ईसाई फिर हिंदू बनेगा तो जाएगा कहां, किस जात में, कौन जात वाला उसको अपने में लेगा। जो मूल जाति है वो तो लेंगे नहीं, बाकी कोई उसको जाति में आने नहीं देंगे। पहले वो धर्म बदल के अब ईसाई से इस्लाम से अगर आना चाहे हिंदू धर्म में, तो उसके पहले उसको जाति कहां मिलेगी। यहां हिंदू धर्म में आएगा तो पहले जात किस जात का होगा। कहना आसान है गायत्री जी, बड़ा कठिन है डगरपन घटकी। और डॉक्टर लोहिया ने लोकसभा में कहा था 64 में, कितना मार्मिक प्रसंग है सुना देता हूं। जब विश्व का सबसे बड़ा मुक्केबाज कैसेस क्ले इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था, तब डॉक्टर लोहिया ने पार्लियामेंट में कहा था बोलते हुए, यह अध्यक्ष महोदय, दुनिया के सबसे बड़े मुक्केबाज कैसेस क्ले ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। यहाँ लोग कहेंगे संसद को क्या लेना है, लेकिन मैं कहूंगा लेना है कि आखिर दुनिया भर के लोग इस्लाम को कबूल करते हैं, ईसाई को कबूल करते हैं, लेकिन हिंदू क्यों नहीं बनते हैं। इसका जवाब कौन देगा? कोई नहीं देगा, मैं ही देता हूं कि कोई हिंदू इसलिए नहीं बनता है कि हम आपस में टूटे हैं और आपस में बटे हैं। समाजवादी नेता डॉक्टर लोहिया ने कहा पार्लियामेंट में, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि भारत के मुसलमान आखिर भूतपूर्व हिंदू तो ही है, इनके पूर्वज तो हिंदू थे। तो 64 की बात कहता हूं, ये आपने जो कहा ये है उलझन, जिसको कहते हैं इनर कंट्राडिक्शंस एंड इनर कंफ्लिक्ट। हर जगह है, इसके कारण ही परिस्थिति पैदा है जी। हुकुम देव सर, पर क्योंकि मैं थोड़ा आपको नहीं लगता परिस्थितियां बदल रही हैं? क्योंकि मैं जो यंगस्टर्स को देखती हूँ सिटीज में, शहरों में, उनको जाति वाती से फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मेरे को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने अपनी एज के अपने से यंगर को देखा है, वो इन सबसे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। क्या बदलाव है या अभी भी बहुत रूढ़िवादी है हमारा समझ? देखो ये भी सत्य है, आप कह रही हैं वो भी सत्य है, अब मैं जो कह रहा हूं वो भी सत्य है। इसलिए कि एक तरफ जो हिंदुस्तान के जो एक संस्कृति वाले, जिसको कहिए यूरोपियन माइंडसेट, जो उस संस्कृति में लोग गए हैं, बड़े लोग, बड़े स्कूल में पढ़े, बड़े जगह बैठे उठे, बड़ी नौकरी कर लिए, तो उनके बीच में कुछ अब्बास स्वरूप, मेरे ही साला का बेटा है, इंजीनियर है, बड़ी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उच्च मेरिट पब्लिक पॉलिसी में पास करके आया है, और उसी के साथ एक लड़की पढ़ती थी, दोनों के हुए, वो ब्राह्मणी है, आइए मेरे साला का बेटा जादव है, दोनों आपस में तय किया शादी करेंगे। उसके भी माँ बाप ने कहा कि कोई हर्जा नहीं, हम लोगों ने भी कहा कि कोई हर्जा नहीं। अब बताइए, मेरे अपने घर में मेरे साला के साला है, उसकी एक बेटी है, वो डॉक्टर है, सेना में कैप्टन है कि कोई रैंक है, और वो कहीं अमरनाथ में ड्यूटी पर थी, वहीं कुछ लोग गए उसकी ड्यूटी, उस कठिन समय में उसकी ड्यूटी को देखे, वो लोग प्रसन्न हो गए, उनका लड़का भी मिलिट्री में किसी रैंक पर है, तो उनको हुआ कि दोनों की शादी हो जाए, दोनों तय कर लिए, वो राजपूत है और ये जादव है, और वो चले आए, इसको कहे मालूम हुआ, सबने कहा कि कोई हर्जा नहीं, ये दोनों की राय है तो कर ले। मैं अपने घर की बात कर रहा हूं, लेकिन गांव में अभी भी है, मतलब लेकिन, गांव में लेकिन, लेकिन एक्सेप्शन कभी जनरल नहीं होता है, अपवाद नहीं, सामान्य।
लेकिन सामान्यतः जो जाधव हैं, अहीर हैं, जाधव सामान्य, वो नहीं करते हैं। और दूसरे हिंदुस्तान में आप ऑनर किलिंग सुने हैं ना, ऑनर किलिंग क्या है, खा पंचायत करती, यही ना कि क्यों शादी कर लिया तो हम मार देंगे, ये हमारी इज्जत का सवाल है। तो ये भी है अपनी जगह, ये भी है अपनी जगह। ये टूटेगा कब, जाति जाति टूटेगी कब, क्योंकि जाति की रेखा तय होती है बेटी से, रोटी से नहीं। रोटी में जातियां टूट गई गांव के अंदर भी, अब कोई किसी को नहीं पूछता है, लेकिन बेटी की शादी में तो पूछता है ना, गोत भी देखता है, सब कुछ देखता है। और कहता है बेटी की शादी में जात, जात है बेटी। जिस जब डॉक्टर लोहिया ने कहा था ये मिटेगा तब, जब पार्लियामेंट में कानून बने, क्या कि सरकारी नौकरी और सरकारी सुविधा, दो चीज, सरकारी नौकरी और सरकारी सुविधा में प्राथमिकता उसी को देंगे जो अंतरजातीय विवाह करेगा। और अंतरजातीय विवाह में भी अगर ऊंची जाति का लड़का हो तो पिछड़ी, और अनुसूचित जाति की लड़की हो और अनुसूचित या पिछड़ी जात का लड़का हो तो ऊंच जात की लड़की हो, ये तो अगर ये कानून संसद में बने, पखंडी बात है हिंदुस्तान में ज्यादा, अबरे धर्माचार सब बोलते हैं, डाट पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई, अब उन्हीं के मंदिर में हरजन को जाने नहीं देंगे, रविदास की पूजा करेंगे लेकिन रविदास के जात वाले को मंदिर में जाने नहीं देंगे, वो साधु में भी जो अनुसूचित जाति के साधु होते हैं उनको फिर ये अपने एक पंगति में पंगत में भोजन नहीं करने देंगे। ये निर्गुण पाखंडी बात है ना, मानवता की बात करना अलग बात एक है, लेकिन मानवता के अनुसार जीवन जीना अलग बात है, अलग बात है। हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर कुछ लोग हैं, कुछ लोग जो आदर्श और पाखंड की बात करते हैं लेकिन आचरण नहीं, जिसको रामायण में तुलसीदास जी ने कहा, पर उपदेश कुशल बहुतेरे आजे आचरही से नर्न घनेरे। तो मन से कहेंगे जाति तोड़ो, अब मन से नीचे उतर के जाएंगे तो जाति वाले में बैठेंगे। डॉक्टर लोहिया ने कहा था मंच पर सभी नेताओं की बातें क्रांतिकारी होती है, मंच के बातों से भाषणों से नेताओं को मत परखो, मंच से उतरने के बाद वो बैठता कहाँ है, खाता कहाँ है और किन लोगों की संगति में रहता है, इससे उस नेताओं को परखो। भाषण करेंगे समाजवाद का, अब उतर के आएंगे तो 5-स्टार होटल में जाकर के सबके साथ रात में डिनर करेंगे, डिनर करेंगे, वाह अच्छा आपने अच्छा अच्छा कहा, मैंने तुमने अच्छा एक्टिंग किया, तुमने अच्छा, यही टीवी में है, जितने ये चैनल टीवी पर है उस पर भी एंकर लोग जितने होते हैं उसमें बहुतों को मैं देखता हूँ, जानता हूँ, सुन के हंसता हूँ। बराबरी की बात करना अलग है, बराबरी की जिंदगी जीना अलग है, अलग है। तो कानून, कानून दुनिया में सबको कहता हूं, हर देश जो बाबर विद्रोह करे कानून बनाओ, सरकारी नौकरी और सरकारी सुविधा पाने वाले के लिए इंटरकास्ट मैरिज को अनिवार्य करो, संविधान में लिख दो, पार्लियामेंट से कानून बना दो, टूट जाएगी। 25 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष लगेंगे, धीरे 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 एक जाति बनेगी। आज जब सबके खून में खून मिलेंगे, सभी जातियों का समीकरण बनता जाएगा, जहां से जातियों का विलय होता होना शुरू होगा वहीं से राष्ट्रीयता की प्रबल शक्ति का अभ्युदय होगा। यही है मंत्र, जहां से जातीयता का विलयन शुरू होगा, विलय, वहीं से राष्ट्रीयता की प्रबल धारा
और राष्ट्रवाद का प्रखर तेज प्रगत होगा। और जब तक ये रहेगा तब तक करते रहिए व्याख्यान, कौन रोकता है, कौन रोकता है? राम को किसने बनाया था? भगवान, गायत्री जी आप भी राम को मानते होंगे, तो राम को भगवान बनाने वाला कौन था? अयोध्या के लोगों ने बनाया था, उस सब ने तो घर से निकाल दिया था। भगवान बनाया कौन? केवट, निषाद, सबरी माता, वाल्मीकि, अगस्त, जटायु, सुग्रीव, हनुमान, नल, नील, जामवंत, यही न जंगल में रहने वाले जो गरीब थे, अपने घर से कंद मूल जो कुछ है उनकी कुटिया में पहुंचाते थे, सीता को माता मानते थे। बताइए, सीता तो अयोध्या के राजा की बहू थी ना, रावण हर के ले गया, तो उसके लिए मरने कौन गया था? वही जंगल का गरीब ना, कि नहीं, सीता माता है। माता मतलब कि पराई स्त्री माता होती है, और सीता को माता मान के जिनका न नाता न रिश्ता न जात का न किसी चीज का, वो राम के साथ अपने प्राण हथेली पर लेके चले गए लंका में प्रतापी रावण से लड़ने। उस राम के साथ उन लोगों का कहीं स्थान है? आप ही बोलो, उस राम के साथ उन लोगों का कहीं स्थान है? उन्होंने तो सीता माता को जंगल में भेजने पे मजबूर कर दिया था। जो जिस सीता को उन वनवासियों ने माता माना, राम उसकी सीता को अग्नि परीक्षा ले रहे, तो सारे बंदर लोग रो पड़े कि अन्याय है। और वो सीता माता जब अयोध्या आती है, तो उसी अयोध्या के लोगों ने उस सीता माता को चरित्र को कलंकित करके उनको गर्भवती अवस्था में निष्कासित करवा दिया। राम के कहने पर भी कि मेरी सीता पवित्र है, लेकिन लोगों ने कहा कि इसका प्रमाण क्या है? तो जिस अयोध्या के लोगों ने, राम के कुटुंब ने, रिश्तेदार ने, उनके जाति ने, बिरादर ने, सगे ने, संबंधियों ने सीता माता जैसे पवित्र नारी को अयोध्या से निष्कासित करवा दिया, और जो सीता माता पराई थी, उन गरीब, निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित, उपहासित, उपेक्षित, उपहासित, पीड़ित, प्रताड़ित गरीब लोगों ने 14 वर्षों तक उनको अपने घर से कंद मूल फाड़ लग खिलाया, उनकी पूजा किया, उनकी कुटिया बनाया, और उनके साथ रावण जैसे प्रतापी से लड़ने के लिए अपने प्राण को हथेली पर लेके चले गए। आज राम के पूजने वाले लोगों की नजर में वो कहाँ है? बस कथा है कि हमारी संस्कृति है, हम तब सबरी माता संस्कृति है, तो जो अयोध्या में राम का मंदिर बनाए हो, तो सबरी माता का भी मंदिर बनाओ, उनके साथ वाल्मीकि को भी लाओ, अंगद को भी लाओ, हनुमान को भी लाओ, नल नील को भी लाओ, जामवंत को भी लाओ, निषाद राज को भी लाओ, केवट महाराज को भी लाओ। जो कोई आवे दुनिया भर के लोग तो कहे यही लोग हैं जो राजा के राजपुत्र निष्कासित राजपुत्र को ईश्वर बनाया था। राम तीन लोहिया राम कृष्ण शिव किताब लिखा है वर्णन किया है। मार्मिक प्रसंग में वही से बोलता हूं कि राम तो निकले थे तीन सन्यासी, राम लक्ष्मण सीता, जंगल में 14 वर्ष के बाद लौटे तो एक विशाल साम्राज्य बना करके लौटे। गए थे तो दशरथ पुत्र राम गए थे, लौट के आए तो भगवान राम बन के आए। नर को नारायण बनाने वाले जो लोग थे वो कहाँ हैं? कहाँ हैं? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनको प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाने वाले जो करोड़ों गरीब, निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दलित हैं, जो नरेंद्र मोदी को अपने कलेजा में भगवान के जैसे मान के, ऐसे अपने बच्चे के जैसे गोदी में पूज रहे हैं,
जिस दिन जब तक उनको सम्मानित नहीं होंगे, पूजित नहीं होंगे, तब तक राष्ट्र निर्माण की बात पाखंड है ना। मैं क्रांतिकारी आदमी हूं, सच बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। एक नहीं, जिस दिन हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी के जैसा एक नहीं, हिंदुस्तान के 6 लाख गांव में हर गांव से एक नरेंद्र मोदी जिस दिन निकल जाएगा, उस दिन भारत विश्व का सबसे सर्वशक्ति संपन्न राष्ट्र बन जाएगा। इसीलिए डॉक्टर लोहिया ने कहा था, नेता हुए, बहुत हुए, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के हुए, यशोगान बहुत हुआ, मालाएं पहनाई गई, आरती उतारी गई, अब भारत में नेता होंगे एक नहीं अनेक होंगे, और होंगे तो ग्रामीण स्तर के होंगे। ये आपने जो कहा ना, ये है, ये जो मैं कह रहा हूं वो मेरा समाजवाद कहिए, राष्ट्रवाद कहिए, राष्ट्र धर्म कहिए, युग धर्म कहिए, लोक धर्म कहिए, जो कहिए जो कहिए। जी सर, आपसे ना दिल नहीं भर रहा, मेरा मन कर रहा है मैं एक सेशन और रखूं, बट मेरे ख्याल से अब 1.25 घंटा हो गया, तो आपका भी लंच का टाइम हो गया होगा वहां पे, लंच, बल्कि शायद मैंने आपका टाइम ले लिया लंच वाला। चलिए, हमारे देखिए, मुझे आपके साथ जो चर्चा हुई ना जी, इससे बड़ा भोजन क्या होगा। इसमें आध्यात्मिक भोजन है, धार्मिक भोजन है, राष्ट्रीयता का भोजन है, संस्कृति का भोजन है, और सबसे ऊपर है कि इसमें आत्मसम्मान का भोजन है। आत्मसम्मान का, जितने लोग सुने, लेकिन दुनिया भर में आपके जो श्रोता होंगे सुनेंगे, जितने ही लोग सुने, और ये भी ईश्वर की कृपा है ना, यह भारतवर्ष के लोकतंत्र की देन है ना, और ये महात्मा गांधी की देन है ना, कि लोकतंत्र और सबको वोट देने का समान अधिकार, सबको। आज अगर गांव के हिंदुस्तान के करोड़ों गरीबों को, निर्धन निर्बल को अगर वोट देने का अधिकार नहीं होता, तो नरेंद्र मोदी जैसे एक मजदूर के बेटा को कभी भारत का प्रधानमंत्री बनने का सपना साकार भी नहीं होता। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, यही तो गांधी है। और इसी से कुछ लोगों को जलन है कि गांधी ये क्या कर गया, गांधी ये क्या कर गया। जिसके पास में जातीय अहंकार है, वंश का अहंकार है, व्यक्ति विद्या का अहंकार है, बुद्धि का अहंकार है, धर्म का अहंकार है, संप्रदाय का अहंकार है, ये विश्व के संपूर्ण अहंकारवादी एक तरफ होंगे, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व के सभी स्वाभिमानी निर्धन निर्बल मजदूर वैसे ही इकट्ठा होंगे जैसे राम के पक्ष में उबनवासी सब जंगल के लोग इकट्ठे हुए थे, लाठी डंडा पत्थर भाला उनके जो पारंपरिक हथियार थे सब वही लेके चल पड़े, चलो देखेंगे रावण कितना बलवान है, मरेंगे किसके लिए मरेंगे, तो सीता माता को बचाने के लिए लगेंगे मरेंगे। वो सीता माता नहीं है, वो राष्ट्रीय माता है, एक नारी के सम्मान के लिए, एक नारी के सम्मान की रक्षा के लिए लंका विध्वंस हुआ था, और द्वापर में एक द्रौपदी नारी के सम्मान की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध हुआ था। ये समझ लेना दुनिया वाले, दोनों में नारी का सम्मान है ना, एक सीता माँ के सम्मान की रक्षा के लिए प्रबल प्रतापी रावण के लंका का विध्वंस होना पड़ा था, और एक कुरु की सभा में द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए कृष्ण ने कुरुक्षेत्र करा करके संपूर्ण पृथ्वी के राजवंशियों को इकट्ठा करके नाश कर दिया था। ये शक्ति
यह शक्ति जिस दिन भारत के युवा वर्गों में होगी और जिस दिन राज चलाने वाले लोगों की यह दृष्टि होगी, उस दिन भारत राष्ट्र धर्म की रक्षा करने लायक कहा जाएगा। यह है मेरी व्याख्या। हो सकता है बहुतों को मेरी बात अच्छी न लगे, मैं ही जिस जमात में हूं, मेरे ही जमात में कई लोग होंगे जिनको मेरी बात ही अच्छी नहीं लगती होगी। न लगे तो न लगे। हो बस जी बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं तो मतवाला आदमी हूं, भारत का गीत सुनाता हूं, निर्भय होके गाता हूं, निर्भय होके सुनाता हूं। मुझे भय किसका है? किसका भय है? एक परम पिता परमेश्वर, परमेश्वर जो चाहेंगे सो होगा। उनकी इच्छा थी तो कहां है आप ऑस्ट्रेलिया में, अकाम अफ्रीका में सर, ऑस्ट्रेलिया में नहीं। कहां अफ्रीका में, जिसका मैं कई बार नाम लिया हूं, उस अफ्रीकन राष्ट्र का मैं गया था। महामहिम राष्ट्रपति जब थे रामनाथ कोविंद जी, तो उनके साथ अफ्रीका के भी एक राष्ट्र में, वो क्या कहते हैं, मॉरिशस के बाद गया था, छोटा सा राष्ट्र था, देखाया था, एक रात रुके थे वहां, देखा था उस धरती को, वहां के लोगों को, वहां के सब कुछ। यहाँ के लोग भी वहां के जैसे हैं सर, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा रंग का अंतर होगा, बाकी दिल से बहुत सारी चीजों में हम एक जैसे ही हैं। है ही। इसलिए मैंने कहा ना कि एशिया और अफ्रीका का जो देश है, जो कॉलोनी रहा, जिसको नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र संघ में कहा था कॉलोनियल माइंडसेट। अरे इतनी हिम्मत की बात बोलने वाला चाहिए कि हम विश्व की पंचायत में कहा कॉलोनियल माइंडसेट, उपनिवेशवादी मानसिकता, और भारत में है सामंतवादी मानसिकता। राजनीति में जो आपने कहा था कुछ वंशवादी जो लोग हैं, वो क्या है? सामंतवादी मानसिकता। कुछ लोग हैं, कुछ वीआईपी नागरिक लोग, जो अपने को सामंतवादी मानसिकता, हम उच्च कुल के हैं, हम उच्च वर्ण के हैं, हम उच्च जाति के हैं, हम उच्च अफसर हैं, हम आईएएस हैं। आईएएस माने मैं गरीब को क्या समझाता था आपको कहूं? आईएएस का माने हम अपने हिंदू गांव में जाते थे, गरीब सब बैठता था, तो उसको कहते थे, तो गरीब सब से पूछते थे आईएएस का माने जानते हैं, तो उसमें से कोई लड़का उठता था, कहता था सर है तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हमने कहा कि ये तो किताब का नाम है, असली नाम मैं बताता हूँ, तो क्या आप बताइए? तो मैं कहता हूँ आईएएस ऐसे आईएएस, और बोलिए कैसे? आई एम सुप्रीम। जी बिल्कुल, ये कॉलोनियल माइंडसेट, आई एम सुप्रीम। एक आईएएस अफसर कलेक्टर है तो हमारे यहाँ का, वो समझता है कि मैं सबसे सुप्रीम हूं, मैं समझता हूं कि तुम बताओ, तुम सुप्रीम, तुम्हारा तो नाम है किताब में, संविधान में लिखा है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट माने जनता का नौकर, और नौकर होकर तुम कहता है मालिक, और मालिक को समझता है नौकर। लोहिया की क्रांति होगी, तो जो नौकर है सो नौकर रहेगा, जो मालिक है सो मालिक रहेगा, अर्थात लोक का, लोक के द्वारा, लोक के लिए। ये तीनों जब चरितार्थ होगा तब लोकतंत्र आएगा, जिस पर भारत बढ़ रहा है, पूरा करना है उसे, दुनिया को पूरा करना है, आपके अफ्रीका के लोगों को भी पूरा करना है, होगा। आप लोग अपनी जिंदगी में जो मैं कह रहा हूं, आप लोग और विश्व के जो लोग हैं अपनी जिंदगी में वह देख के जाएंगे जो मैं आज आपको सुना रहा हूं। वो जो आएगा अवश्य आएगा, अरविंद ने कहा है अवश्य आएगा, विवेकानंद ने कहा है अवश्य आएगा,
हमारे भारत के ऋषियों मुनियों ने कहा अवश्य आएगा, अवश्य आएगा तो अवश्य आएगा, अवश्य आएगा, अवश्य आएगा। असंभव तो है कि उस मंजिल के बहुत, उस मंजिल तक या उस मंजिल के बहुत नजदीक तक नरेंद्र मोदी पहुंचा के जाएंगे उस झंडा को। जी बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर। आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, दिल नहीं भर रहा है, बट अब विदा लेना चाहूंगी, आपको भी फ्री करना चाहूंगी। इसी के साथ सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया, और अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी के साथ नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।